कुछ बातों का मतलब कुछ मतलब की बात है। क्या मतलब? यादों का अपना तो कोई ठोर ठिकाना होता नहीं। ये हमें भी कब कहाँ ले जाकर छोड़ दें कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे अभी जहाँ लेकर आई हैं वहाँ आप भी आइए मेरे साथ। हो सकता है मेरे साथ चलते चलते आपको भी अपना कुछ पुराना कुछ नया याद आ जाए। घर आंगन अपने आप में विस्तृत विषय हैं। इन पर जितना लिखा जाए जितना बोला जाए कम है। मैंने बोलने के लिए आज फिर इन्हें चुना है। मथुरा का हमारा घर बड़ा सा आंगन था जिसमें जिसके चारों तरफ 9 कमरे एक रसोई थी। 4 कमरे हमारे पास थे जिन्हें हमने नाम दिए थे बैठक तिवारा कोठरी रसोई। तिवारा कोठरी बैठक शब्द हो सकता है कईयों के लिए नए हों। ये शब्द कब चलन से बाहर हो गए हम जान भी नहीं पाए। बचे हुए 5 कमरों में 3 किराएदार रहते थे। 3 का किराया मिलाकर मात्र 30 रुपये आता। ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, यही कोई 1971-72 की बातें होंगी। मैं तब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अचंबा होता है ना। घर का आंगन कच्चा था। दादी हर महीने उसे गोबर से लीप पोत कर नया कर देती। सूख जाने पर दूसरे दिन सुंदर आकर्षक मांडने मांडती। मुख्य द्वार और घर को जोड़ती आंगन से पहले एक पौरी थी। वहाँ लक्ष्मी के पैर मांडे जाते। पौरी जिसे आप आज के हिसाब से सिट आउट भी कह सकते हैं। पद चिन्हों से ऐसा लगता जैसे घर में बराबर आवाजाही बनी हुई है। रहती भी थी। बाबा मेरे मोहल्लेदार जो थे हारी परेशानी शादी ब्याहों में उनसे राय ली जाती थी। रसोई में हमारी तब एक बड़ा सा छींका टंगा रहता था जो हरदम पकवानों मिष्ठानों से भरा रहता। मैंने उसे कभी खाली नहीं देखा। कुछ ना कुछ आस पड़ोस से रोज ही बायना आता रहता। बायना नया शब्द है ना आपके लिए? बायना यानी बांट कर खाना। इसे आप यूं समझ लीजिए कि त्योहारों शादी ब्याहों की खुशी को पकवानों द्वारा साझा करने का ये नायाब तरीका था। जब कभी मठरी पूरी ज़्यादा हो जाती तो दादी ने कूट पीस कर मेवे मिला स्वादिष्ट लड्डू बना लिया करती थी। तब आंगन में ही अंगीठी चूल्हों पर खाना पकता था। कोई पर्दादारी जो ना थी। सुबह शाम आंगन मिश्रित पकवानों की सुगंध से महकता। यही अंगीठी चूल्हे के इर्द गिर्द बैठकर सब खाना खाते आपस में बातें साझा करते अपने सुख दुख और दिन भर की तमाम बातें। ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ खटपट बिल्कुल नहीं होती थी। 4 बर्तन पास में हों तो खटकना लाजमी है। दादी मेरी किसी हिटलर से कम नहीं थी। मेरा खुद का उनसे 36 का आंकड़ा रहता था। पर उस वक्त छोटे बड़ों का बहुत लिहाज रखा जाता था। कोई बड़ों से मुंह जोरी नहीं करता था। यही उस समय की बहुत बड़ी खासियत थी। यही उस समय की खूबसूरती भी थी। आपको कुछ याद आया? अगर हाँ तो मुझसे ज़रूर शेयर करें।